दोस्तों क्या आप सभी लोग भी जीतने का असली मतलब जानते हैं? कहानी एक गांव की है जिसमें एक मोहन नाम का लड़का रहता है। उसके पिताजी एक मामूली मजदूर थे। एक दिन मोहन के पिताजी उसको अपने साथ शहर ले गए। उनको एक मैदान साफ करने का काम मिला था जिसमें एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होना था। मोहन मैदान देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन से भी उसे दौड़ने का शौक चढ़ गया। जब मोहन और उसके पिताजी गांव लौटे तो मोहन ने अपने पिता से जिद की कि हमारे गांव में भी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। मोहन के पिताजी ने गांव के प्रधान के सामने यह सुझाव रखा। कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई और आसपास के सभी गांव के बहुत सारे बच्चे दौड़ में हिस्सा लेने के लिए आ गए। मोहन के दादाजी भी सब शांति से देख रहे थे। हालांकि प्रतियोगिता बहुत कठिन थी लेकिन मोहन ने ठान रखा था कि उसे जीतना ही है। सीटी बजते ही सारे प्रतिभागी रेस लाइन की तरफ दौड़ने लगे। कड़क धूप और पथरीले रास्ते को पार करते हुए आखिरकार मोहन ने रेस जीत ही लिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मोहन की एक के बाद एक जीत का सिलसिला शुरू हो गया। मोहन के दादाजी मन ही मन यह देखकर बहुत दुखी होते थे। एक दिन दादाजी ने मोहन के लिए खास दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। दौड़ के नाम पर मोहन खुशी खुशी मैदान में आया। दादाजी ने उससे कहा, बेटा हर रेस में जीतने के अलग अलग तरीके होते हैं, सोच समझ कर दौड़ना। मोहन को कुछ समझ में नहीं आया। आसपास के सभी गांव के लोग दौड़ प्रतियोगिता देखने आए थे। मोहन ने देखा कि इस प्रतियोगिता में उसके अलावा केवल दो ही प्रतिभागी थे। हमेशा की तरह सीटी बजते ही मोहन रेस लाइन की तरफ दौड़ा। वह लाइन तक पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि बाकी के दोनों प्रतिभागियों ने अभी तक दौड़ना ही शुरू नहीं किया है। मोहन ने देखा कि एक प्रतिभागी लंगड़ा है और दूसरा प्रतिभागी अंधा है। मैदान में चुप्पी छाई हुई थी। मोहन अपनी जगह पर वापस गया और दोनों प्रतिभागियों के हाथ पकड़कर धीरे धीरे उन्हें रेस लाइन तक साथ लेकर आया। तीनों प्रतिभागियों ने एक साथ रेस लाइन को पार किया। यह देखकर मैदान तालियों की गूंज से भर उठा। मोहन के दादाजी बोले, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम असली विजेता हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन के हर रेस में जीतना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि हमें सभी को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। और असली विजेता वही होता है जो सभी को अपने साथ लेकर चलता है और सभी के मुश्किलों को हल करता है।